आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतम की। देश के सभी सीबीएसई स्कूलों में अब खुलेंगे युवा पर्यटन क्लब। पर्यटन मंत्रालय और सीबीएसई ने मिलकर बनाई योजना। आयुष मंत्रालय और एफएसएसएआई ने आयुर्वेद आहार उत्पादों के लिए तैयार किया नियम। कोरोना के बाद सुरक्षा पर विशेष ध्यान। विदेश जाने वाले यात्री तय 9 महीनों से पहले भी ले सकते हैं सतर्कता डोज। सरकार ने टीकाकरण के मानदंडों में दी बड़ी ढील। रायपुर में एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट और को पायलट की मौत। सीएम भूपेश बघेल ने जताया शोक। पीएम मोदी ने कहा डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूएचओ में सुधार जरूरी। स्वास्थ्य संबंधी आपात चुनौतियों से निपटने पर भी दिया जोर। गुजरात में 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। दिल्ली सहित कई राज्यों में हीट वेव की चेतावनी। ऑक्सीजन खत्म हुई तो रेलवे ने बाजार से खरीद कर ट्रेन में पहुंचाया सिलेंडर। बचाई कैंसर पीड़िता की जान। सरकार की अहम पहल, इलाज के लिए भारत आने वालों को वन स्टेप से मिलेगी सारी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को दिया निर्देश। कहा तबलीगी मामले में काली सूची में डाले गए विदेशियों के वीजे आवेदनों पर विचार हो। भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों की सैर कराएगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। 18 दिनों की यात्रा में खर्च होंगे मामूली रुपए। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कूटनीति को लेकर अपना रुख दोहराया। कहा नहीं होना चाहिए मानवीय सहायता का राजनीतिकरण। घरेलू हिंसा कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। कहा महिला का साझा घर में रहने का अधिकार वैवाहिक घर तक सीमित नहीं। G7 ने अफगान महिलाओं पर बढ़ते प्रतिबंधों को लेकर तालिबान की निंदा की। कहा तुरंत हटाएं इन्हें। भारत पाकिस्तान रिश्तों पर बोले एनसीपी नेता शरद पवार, आम पाकिस्तानी भारत का दुश्मन नहीं। जालना में 2 गुटों के बीच चले ईंट पत्थर में 5 पुलिस वाले घायल। भीड़ को तितर बितर करने के लिए छोड़े गए आंसू गैस के गोले। अयोध्या में राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध। संतों से मिले भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। मथुरा में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही। डॉक्टर की कमी से मरीज परेशान। परिजनों ने काटा हंगामा। मुरादाबाद में भानु प्रताप सिंह पहुंचे। मुरादाबाद पदाधिकारियों को किया सम्मानित। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह। राज्यसभा चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का नहीं खुलेगा खाता।
जैविक खेती में बुलंदी पर गांव बंबाड़ा, उत्पादन भी बढ़ा, घर पर आ जाते हैं खरीदार। गाजियाबाद में 3 करोड़ की ठगी में जेल गए शख्स ने महिला अधिवक्ता समेत 2 से ठगे 88 लाख रुपए। कोरोना केस बढ़ने की वजह बता रहे हैं आईआईटी प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल, आने वाले समय में देखने को मिलेगा एक और उतार चढ़ाव। आसमान से बरसी आग, लू के बीच भीषण गर्मी ने जीना किया मुहाल, मेरठ में झुलसाने वाली गर्मी। जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर की बढ़ी मुश्किलें, बलरामपुर में अवैध संपत्ति पर चल सकता है बुलडोजर। मेरठ में राजस्व एमडीए और रजिस्ट्री कार्यालय से मांगा कायूब कुरैशी की संपत्ति का ब्यौरा। यूपी विधानसभा अध्यक्ष के नाम से फर्जी फेसबुक पेज, लिखा देसी कट्टा, पुलिस आयुक्त ने केस दर्ज करवाया, जांच की शुरू। बागपत में खेत की रखवाली कर रहे किसान की गोली मारकर हत्या, स्वजन बोले किसी से नहीं थी रंजिश। मेरठ में महिला थाना प्रभारी मोनिका जिंदल के 1 लाख मांगने पर बिगड़ी थी बात, पीड़िता ने बयान दर्ज कराया। मेरठ में देर रात 5 युवकों ने होटल संचालक पर की फायरिंग, खाने के पैसों को लेकर हुआ था विवाद। वाराणसी की प्रीति की रचनात्मक सोच ने बदल दी विद्यालय की तस्वीर, नासिरपुर विद्यालय को बनाया नजीर। ताजमहल पर राजकुमारी दिया की दावेदारी को लेकर पलटवार, मुगल शहंशाह के वंशज भी आए सामने। होमगार्ड को मिलेगा ड्यूटी भत्ता, सेवाएं लेने वाले विभागों को देना होगा 6 महीने का एडवांस। डॉक्टर और कर्मचारी मिले तो शुरू हो उर्सुला की कार्डियक यूनिट, निदेशक ने सीएमओ को बताई जरूरत। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा सुदूर क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है सौर ऊर्जा, लोगों को मिले योजनाओं का लाभ। रामपुर में गर्दन में तख्ती डाल का थाने पहुंचा हिस्ट्री शीटर, बोला साहब अब नहीं कर रहा कोई अपराध। बरेली में सपा ने जताया पुराने चेहरों पर भरोसा, बनाए 8 उपाध्यक्ष। राज ठाकरे के विरोध में बृजभूषण सिंह को मिला संतों का साथ, बोले माफी मांगे तभी अयोध्या में प्रवेश। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 42,000 ग्राम सचिवालय हाई स्पीड इंटरनेट से होंगे लैस, बनेंगे आय और जाति प्रमाण पत्र। योगी सरकार का सभी जिलाधिकारी को निर्देश, विधायक के रहते पूर्व मंत्री को ना बनाए मुख्य अतिथि। मीटर लगाने गई विद्युत टीम को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, 1 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने कराया बंधन मुक्त।
यूपी के डीजीपी पर कार्रवाई, सीएम योगी आदित्यनाथ का अफसरों को सख्त संदेश, निशाने पर अभी कई और। यूपी के सभी मदरसों में प्रार्थना के समय राष्ट्रगान अनिवार्य, नए शैक्षणिक सत्र के साथ लागू हो गया नियम। डीएस चौहान बने प्रभारी डीजीपी, डीजी इंटेलिजेंस के पद पर तैनाती के साथ संभाल रहे डीजी विजिलेंस का प्रभार। उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीट के लिए 10 जून को चुनाव, भाजपा की 7 सीट पक्की। पावरलूम बुनकरों पर मेहरबान योगी सरकार, 10 किलोवाट तक बिजली कनेक्शन पर सब्सिडी देने की तैयारी। चंपावत में देर रात खाई में गिरी कार, हादसे में 3 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर, बच्चे माता पिता का घर लौटने का कर रहे थे इंतजार। उत्तराखंड में 20 मई के बाद आ जाएगी प्री मॉनसून, मई जून में झुलसाने वाली गर्मी के आसार नहीं। पर्यटन सीजन में औसत से ज्यादा रोडवेज की कमाई, सुधरेगी रोडवेज की माली हालत, वॉल्वो एसी की वजह से काठ गोदाम का लक्ष्य ज्यादा। 3 रसोई गैस सिलेंडर निःशुल्क देने पर कांग्रेस का आरोप, आचार संहिता का किया उल्लंघन। उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए होना है चुनाव, भाजपा जल्द तय करेगी पैनल के नाम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने दुबई गए पर्यटन मंत्री पर चारधाम व्यवस्था को लेकर बोला हमला, कहा राज्य नहीं विश्व के पर्यटन मंत्री हैं महाराज। केदारनाथ में हेलीपैड का विस्तार कर बनेगा हेलीपोर्ट, यात्री सुविधा का भी किया जाएगा विस्तार। ₹936 करोड़ रुपए बढ़ा राजस्व, फिर भी ऊर्जा निगम की हालत पतली, अब बिजली दर बढ़ेगी बढ़ाने की गुहार लगा रहा निगम। मंत्री रेखा आर्या ने कहा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को अप्रैल से जुलाई के बीच देंगे पहला सिलेंडर। यमुनोत्री धाम में डंडी कंडी और घोड़ा खच्चर, संचालक बेलगाम वसूल कर रहे निर्धारित किराए से 4 से 5 गुना अधिक। देहरादून में नशीले इंजेक्शन और गोलियों के साथ अधिवक्ता गिरफ्तार, नशे के व्यापार से कमाए गए 19,350 रुपए भी किए बरामद। परिवहन विभाग को नहीं तीर्थ यात्रियों की जिंदगी की परवाह, मानक से ज्यादा लंबी बसें भेज दी चार धाम यात्रा पर। केदारनाथ और यमुनोत्री में हृदय गति रुकने से 3 तीर्थयात्रियों की हुई मौत, अब तक चारों धाम में हो चुकी है 29 श्रद्धालुओं की मौत। गैस पाइप के नीचे दबकर बच्चे की मौत का मामला आया सामने, एई को एचपीसीएल के खिलाफ मुकदमे के आदेश। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के टापू में फंसे 3 मजदूर, एसडीआरएफ ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का पश्चिमी देशों पर कटाक्ष, कहा प्रतिबंधों से हमसे ज्यादा खुद हो रहे बर्बाद।
दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हीरा द रॉक हुआ जेनेवा में नीलाम, 228.31 कैरेट का है सफेद हीरा। बीजिंग में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, लगाए गए कई कड़े प्रतिबंध, सरकार चला रही कोरोना की जांच का अभियान। बांग्लादेश में चीनी हमले का केस वापस लेने को लेकर सड़कों पर आए लोग, मानव श्रृंखला बनाकर चीन का किया गया विरोध। लाख का आइसोलेशन में चल रहा इलाज। एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर कसा तंज, कहा ट्रंप पर बाइडेन की जीत इसलिए हुई क्योंकि लोग कम ड्रामा चाहते थे। चीन से मुकाबले के लिए भारत को और हथियार दे अमेरिका, भारतवंशी सांसद ने बाइडेन प्रशासन से की अपील। अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने दी चेतावनी, पुतिन कर सकते हैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बोले, अगर यूक्रेन युद्ध से पहले नाटो का हिस्सा होता तो कोई हमला नहीं होता। यूक्रेन का पलटवार, खारकीव में रूसी सेना से छीने गांव, रूसी आपूर्ति व्यवस्था पर भी बोला हमला। लोन चुकाना होने वाला है और ज्यादा मुश्किल, आरबीआई उठा सकता है बड़ा कदम, सीआरआई एसआईएल ने जताई संभावना, रेपो दर को बढ़ाया। एलआईसी ने अपने आईपीओ का इश्यू प्राइस 949 रुपए किया तय, 17 मई को स्टॉक एक्सचेंज पर होगी लिस्टिंग। निवेशकों को मिली थोड़ी राहत, कई दिनों बाद बाजार में आया धमाकेदार उछाल, सभी सेक्टर्स हरे निशान पर कारोबार करें। अब कैंपबेल विल्सन संभालेंगे एयर इंडिया की कमान, एविएशन इंडस्ट्री का 26 सालों का अनुभव। अप्रैल में बढ़ी खुदरा मुद्रास्फीति, मार्च में औद्योगिक उत्पादन में भी हुआ इजाफा, देश की जनता बढ़ती महंगाई से परेशान। निवेशकों के डूबे पैसे, सेंसेक्स 1100 पॉइंट से भी ज्यादा फिसला, निफ्टी में भी बड़ा गिरावट। दोबारा लुढ़का बाजार, 930 अंक फिसला सेंसेक्स, निफ्टी लुढ़क कर 16,000 के नीचे, शुरुआती कारोबार में सभी सेक्टर्स में गिरावट। अल्कोहल टेस्ट में फेल हुए 9 पायलट और 32 क्रू मेंबर, डीजीसीए ने किया सस्पेंड, महामारी की वजह से टेस्ट कुछ महीने के लिए स्थगित कर दिया गया था। ब्रोकर्स और ट्रेडर्स को बड़ी राहत, सेबी ने बदले मार्जिन के नियम, अब मार्जिन का स्नैपशॉट अर्निंग ऑफ द पैरामीटर के हिसाब से देना होगा। जल्द सस्ता एंड सपोर्टेड सब्सक्रिप्शन प्लान पेश कर सकता है नेटफ्लिक्स, पासवर्ड शेयरिंग के बदल सकते हैं नियम। कोलकाता नाइट राइडर्स को लगा झटका, पैट कमिंस कूल है कि चोट से आईपीएल से बाहर। सुनील गावस्कर ने बताया अगला सीजन भी खेलेंगे, एमएस धोनी सीएसके हुए प्लेऑफ की दौड़ से बाहर।
डेविड वार्नर ने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा। आठवें सीजन में बनाए 400 से ज्यादा रन चेंज करते हुए वार्नर ने तीसवीं बार खेली 50 से ज्यादा रन की पारी। मुंबई इंडियंस की जीत में चमका युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा, कप्तान रोहित शर्मा ने की जमकर तारीफ। रोहित शर्मा के नाम दर्ज हुआ अद्भुत रिकॉर्ड, इस मामले में गंभीर गिलक्रिस्ट को छोड़ा पीछे। चेन्नई की हार में डीआरएस की बड़ी भूमिका, चाहकर भी रिव्यू नहीं ले पाए डेवोन कॉनवे और रोबिन उथप्पा। आठ टीमों के बीच रह गई आईपीएल की जंग, चेन्नई और मुंबई का खेल बेहद निराशाजनक रहा। चेन्नई और मुंबई की टीम हुई टूर्नामेंट से बाहर। मुंबई के वानखेड़े में चेन्नई सुपर किंग्स हुई बाहर, मुंबई इंडियंस ने तोड़ा प्लेऑफ का सपना। प्लेऑफ से बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस ने बिगाड़ा चेन्नई का खेल, दो टीमों पर भी मंडराया खतरा। मुंबई ने 5 विकेट से जीता मुकाबला, चेन्नई हुई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर। मुंबई ने किए 2 बदलाव, पोलार्ड हुए बाहर। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के बयान पर कंगना रनौत का रिएक्शन चर्चा में, धाकड़ एक्ट्रेस ने कहा तेलुगु नंबर एक इंडस्ट्री बॉलीवुड उन्हें सच में अफोर्ड नहीं कर सकती। कैटरीना कैफ और विकी कौशल पहुंचे प्रियंका चोपड़ा के रेस्टोरेंट, इंप्रेस हो देसी गर्ल के लिए कही बात। पुष्पा 2 के लिए अल्लू अर्जुन ने वसूली 100 करोड़ की तगड़ी फीस, 2023 में रिलीज होगी फिल्म। फिल्म हिट जल्द होगी रिलीज, राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा निभाएंगे अहम किरदार। कांस फिल्म फेस्टिवल में हिना खान पहनेंगी बीट्स और डायमंड वाली ड्रेस, वायरल हुई तस्वीरें। सलमान खान ने शेयर किया कंगना रनौत की धाकड़ का ट्रेलर, एक्ट्रेस बोली मैं अब कभी नहीं कहूंगी कि मैं अकेली हूं। कपिल शर्मा शो जल्द होगा ऑफ एयर, अर्चना पूरन सिंह का इंडियाज लाफ्टर चैलेंज, शो को करेगा रिप्लेस। महेश बाबू की फिल्म सरकारू वारी पाठक को लोगों ने बताया औसत, सोशल मीडिया पर शुरू हुआ ट्रेंड। आथिया शेट्टी की शादी की खबरों पर पिता सुनील शेट्टी ने तोड़ी चुप्पी, कहा केएल राहुल पसंद है लेकिन शादी का फैसला उन्हीं दोनों को करना है। एक्टर अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर की फिल्म पृथ्वीराज का गाना हरिहर आउट, वीरता और प्यार का दिखा संगम। शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।